two points P and Q are given. Let R be a point on one side of the line PQ which moves, so that angle RPQ minus angle RQP is a positive constant to alpha. तो find the locus of R. R का locus find करना है. देखो यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट P और Q given है, तो हम लोग यहाँ पे P और Q एज्यूम करेंगे दोनों पॉइंट क्या होगा, और ऐसा एज्यूम करेंगे जो इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल आए, और हमेशा ट्राई करना कि वेरिएबल कम से कम हो. इसीलिए वेरिएबल कम से कम होने के लिए P और Q को हम लोग एज्यूम करते हैं कि पॉइंट P हो जाएगा a कॉमा जीरो एंड पॉइंट Q हो जाएगा माइनस a कॉमा जीरो. ठीक है, कोई भी पॉइंट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं. और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए R का जो लोकस आएगा वही हो जाएगा आंसर. और जिसका लोकस फाइंड करना है उसको हम लोग H कॉमा K एज्यूम कर लेते हैं. ये हो गया. अब देखो ये जो P और Q और R है, इसका एक हम लोग रफ डायग्राम बना के थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कैसा H और K में रिलेशन आ सकता है. देखो P पॉइंट यहाँ पे a कॉमा जीरो है, तो चलो मान लो यहाँ पे पॉइंट P हो जाएगा a कॉमा जीरो, और पॉइंट Q हो जाएगा माइनस a कॉमा जीरो. पॉइंट R है जो PQ के वन साइड है, ऑन वन साइड ऑफ द लाइन PQ, PQ के एक साइड. चलो कहीं भी किधर ही मान लो कि पॉइंट R हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट है h कॉमा k. ठीक है, अब देखो एंगल कौन सा एंगल का बात कर रहा है, कि एंगल RPQ, एंगल RPQ ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल को अगर थीटा मानते हैं और RQP ये वाला एंगल, इस एंगल को अल्फा मानते हैं. अच्छा अल्फा यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं. ठीक है, बीटा मान लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा, अच्छा सॉरी थीटा माइनस बीटा ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा माइनस बीटा जो है वो है टू अल्फा का बराबर. ठीक है, थीटा माइनस बीटा इक्वल टू टू अल्फा होगा यहाँ पे. अब देखो जब थीटा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा है तो टैन अगर लगाते हैं हम तो क्या हो जाएगा, देखो टैन थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू टैन टू अल्फा होगा. ठीक, तो टैन थीटा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, ये कितना होगा टैन थीटा माइनस टैन बीटा बाई में वन प्लस टैन थीटा इंटू टैन बीटा, और दिस इक्वल टू हो जाएगा टैन टू अल्फा. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. अब देखो टैन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, टैन बीटा का वैल्यू फाइंड करना है. इसके लिए हम यहाँ से आर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते नीचे. जब आर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आर से परपेंडिकुलर, ये मान लो कि एस हो जाएगा, तो टैन थीटा यहाँ साइड में सारा चीज कैलकुलेट कर लेते हैं. देखो टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा का लिखते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ही ना, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा के बाई एस पी. एस पी कितना होगा, पूरा ए माइनस ये डिस्टेंस है एच, ये डिस्टेंस है एच, तो ए माइनस एच होगा. ये हो गया टैन थीटा. अच्छा अब हम लोग फाइंड करेंगे टैन बीटा. देखो टैन बीटा वैल्यू कितना होगा, तो टैन बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर होगा के बाई बेस, कितना हो जाएगा बेस, इधर ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस एच है, तो ए प्लस एच हो जाएगा. आया समझ में. अब ये दोनों जो वैल्यू है टैन थीटा और टैन बीटा का, ये यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे जब रखेंगे टैन थीटा का वैल्यू, तो ये होगा k बाई ए माइनस एच माइनस और k बाई ए प्लस एच डिवाइडेड बाई वन प्लस और यहाँ पे k बाई ए माइनस एच इंटू k बाई ए प्लस एच, दिस इक्वल टू होगा टैन टू अल्फा. ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग. तो देखो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम नीचे ऊपर दोनों कट जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ऊपर में कितना आ जाएगा के इंटू ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच, इतना आएगा, और डिवाइड में आएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए एच प्लस एच स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, इतना आएगा, और इक्वल टू में टैन टू अल्फा है. ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर में ए माइनस ए और ए कट जाएगा, तो टू एच के ऊपर में आ जाएगा, टू एच के आएगा ऊपर में, और इधर में हो जाएगा टैन टू अल्फा, टैन टू अल्फा रखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू ए एच, इतना होगा. तो अब इसके बाद ये जो टैन टू अल्फा है ये इधर ले आएंगे तो कॉट टू अल्फा हो जाएगा, तो टू एच के कॉट टू अल्फा, दिस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू ए एच हो गया.
लास्ट में लोकस फाइंड करने के लिए एच को एक्स और के को वाई से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों एक्स का प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, और ये इधर जाएगा तो माइनस टू ए एक्स इंटू कॉट टू अल्फा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये जो कर्व आ गया, इक्वेशन आ गया, यही हो गया लोकस, ठीक है। तो यही हो गया लोकस, जिसका लोकस आर का जो लोकस फाइंड करना था यही हो गया आर का लोकस। ओके okay?